वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे परचेस करते हैं जीएसटी के केस में। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि परचेज है और परचेज का बटन F9 है, ये तो पता है। उसके बाद सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहां पर डाल देंगे। इनवॉइस नंबर डालने के बाद F2 दबा करके डेट डाल देंगे। फिर यहां पर देखिए पार्टी है, पार्टी जिससे हम सामान खरीदे हैं डेट इज़ राज इन्फोटेक हो गई। राज इन्फोटेक का सारा डिटेल डालते हुए परचेज एट द रेट ऑफ 18% डालेंगे। अब यहाँ पर हमको आइटम क्या खरीद रहे हैं हम लोग, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैंने डाला। डाल देने के बाद आपको यहां पर क्वांटिटी डालनी है। तो सपोज मैं 5 पीस सॉफ्टवेयर सीडी खरीद रहा हूं, 5 पीस सॉफ्टवेयर सीडी खरीद रहा हूं 900 के हिसाब से। तो यहां पर 900 मैंने डाल दिया या 800 डाल दिया। तो आप देख रहे हो कि यहां पर 4500 रुपया खुद ब खुद ले ली। अब इसके बाद यहाँ लाइन से बाहर आनी है। लाइन से बाहर आने के बाद आपको जीएसटी जो दोनों लग रही है, जिसमें आपका इनपुट सीजीएसटी है 9%, उसके बाद फिर इनपुट एसजीएसटी आपका 8% है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 405 और 405 दोनों आपका यहाँ पर आ गए। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, परचेस करेंगे। और परचेस कर लेने के बाद फिर आप यहाँ पर नरेशन डाल देंगे। नरेशन डालने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे और इस तरीके से हम लोग सामान का खरीद करेंगे जीएसटी के।